जनपद संभल में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर किसान यात्रा में शामिल होने जिला मुख्यालय जा रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोककर रेलवे के गेस्ट हाउस में नजरबंद किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए समाजवादी किसान यात्राएं ग्रामीण अंचलों में निकालने के उद्देश्य से नहीं, अखिलेश यादव जी के निर्णय से प्रदेश सरकार अपना आपा खो बैठी और जिले के सभी नेताओं को अपने घरों में नजरबंद कर दिया। इसी कड़ी में सतीश प्रेमी के घर को भी पुलिस ने सुबह 5 बजे से घेर रखा था। पुलिस अधिकारी सुबह से ही फोन करके घर से ना निकलने पर अड़े थे, लेकिन किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए सतीश प्रेमी ने पुलिस का घेरा तोड़ करके घर से समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ अपने घर से 11:30 बजे भेजोई की ओर पैदल किसान यात्रा में चल दिए। पुलिस प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ सबको मोलागढ़ पर रोक दिया और गिरफ्तार कर चंदौसी रेलवे स्टेशन स्थित रेलवे गेस्ट हाउस में ले जाकर नजरबंद कर दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि आज किसानों के विरोध में केंद्र सरकार ने तीनों काले कानून बनाकर किसान को बर्बाद करने का कार्य किया है। ये तीनों कानून यदि सरकार वापस नहीं लेती तो दिल्ली के सीमा पर बैठा लाखों किसान आंदोलन वापस नहीं लेता। तब तक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर रहकर उस आंदोलन को समर्थन देते हुए किसान यात्राएं जारी रखेगा। हम अपने अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हैं। यदि इस देश में अन्नदाता खुश नहीं तो देश भी बेहाल रहेगा। किसान का सम्मान देश का सम्मान है। जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। नहीं, आज किसानों के समर्थन में हम लोग इसलिए उतर रहे हैं जो लाखों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा हुआ है, जो तमाम जगह से कूच दिल्ली के लिए किया है जिस किसान ने, क्योंकि किसान जो तीन कानून लाए गए हैं कृषि से क्षेत्र से मुतल्लिक, तीनों कानून इस देश के किसान को बर्बाद कर देंगे। समाजवादी पार्टी की ये सोच है कि किसान अगर मानता है किसान विरोध करा तो उन कानूनों को वापस लेना चाहिए, और तीनों जो कानून है वो अडानी अंबानी के हित में पूरे कृषि क्षेत्र को उनको सौंपना चाहते हैं। ये कानून का मकसद है। हम केवल भारत सरकार से चाहते हैं, इस गूंगी बहरी सरकार से चाहते हैं किसानों की बात सुने, उनकी मांगों को माने और तीनों कानूनों को नष्ट किया जाए, वापस लिया जाए। वरना अगर वापस नहीं लेते तो समाजवादी पार्टी, जब तक किसान हमारा लाखों किसान सड़कों पर रहेगा, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़कों पर रह करके माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनके आह्वान पर सड़क गर्म करने का काम करेगा और तीनों विधेयकों को वापस लाने का काम करेगा सरकार से। जैसे कि आज आपको प्रशासन ने रोका है और आप यहाँ खड़े हैं इस समय, तो आप क्या करेंगे आप? नहीं, खड़े क्या, हम तो एक चीज़ है भाई, अगर प्रशासन की नीयत पर नहीं आता, आज जिन लोगों ने रोका है हमको, ये फोर्स के लोग भी पुलिस के लोग भी किसानों के बेटे हैं, किसानों की औलाद है, इनका कोई दोष नहीं है, लेकिन दोष है उस योगी जी की सरकार का जिसकी नीयत और नीति ठीक नहीं है। आज वो किसान को दबाना चाहते हैं, मोदी जी बैठ के दिल्ली में, भाई बादशाह नहीं हो आप, किसान सड़कों पर पड़ा है, आप बनारस में रंगरेलियाँ मना रहे हो, ये कौन सी बात हो गई? हम चाहते हैं किसानों की बात सुनी जाए, तीनों कानून वापस लिए जाएं, जो निर्धारित मूल्य किसान का घोषित किया जाए, उस मूल्य से नीचे अगर कोई लेता है खरीदता है तो उसे जेल भेजने का काम करें। ये हमारी एक सूत्री मांग है। जब तक मांग नहीं मानी जाती, समाजवादी पार्टी अपने नेता माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में आंदोलन करेगी, आह्वान इस आह्वान के साथ कि किसान भी सड़कों पर निकला है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकलने के सड़क गर्म करने का काम करेगा। आज आप लोग भेजू जा रहे थे किसान आंदोलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्या हुआ, आप क्यों नहीं गए, आप क्यों रुके? आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने जो काला कानून बिल लेकर आई है, किसान विरोधी जो बिल है, हम इसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर बैजोई मुख्यालय पर किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए निकले थे, मगर हमें भयंकर पुलिस फोर्स रास्ते में मिल गया और उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, रास्ते में ही पुलिस ने हमें पकड़ लिया। लेकिन पुलिस हमें कितना भी रोक ले, हम रोक नहीं पाएंगे, इस काले कानून का पुरजोर विरोध करेंगे और हमेशा विरोध करते रहेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये किसान को बेचने का काम कर रही है, किसान की ज़मीन को बेचने का काम कर रही है, ये किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोज़गार विरोधी, ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हर वर्ग को नुकसान पहुँचाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो काला कानून है, इस काले कानून को अगर ये संसद या लोकसभा में पास भी कर लेंगे, फिर भी हम इसे सड़कों पर विरोध करते रहेंगे। लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं ये लोग, लेकिन हम लोग हत्या होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी की जब तक सांस में सांस है, किसान के साथ है।